मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत की और वाराणसी में इस मिशन को सफल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आज वाराणसी टीपी लाइन में बैठक की गई और महिला पुलिस और अधिकारियों को महिलाओं की सुविधाओं के साथ शोधों से निपटने के निर्देश दिए गए। यूपी के मुख्यमंत्री ने नवरात्र के दिनों में महिला शक्ति का सम्मान किया और मिशन शक्ति का नाम दिया इस पूरे अभियान को। इस वक्त हम मड़वाड़ी थाने में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ महिला हेल्प डेस्क व आगंतुक कक्ष बनाया गया है। अगर कोई महिला यहाँ पर आती हैं तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, यहाँ पर बंद कमरे में वो अपनी बातों को बता सकती है। और इसके साथ ही महिला हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है। यह हेल्प डेस्क आप देखें, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की समस्याओं को सुन रही हैं। बाकायदा इस रजिस्टर में जो सामने रखा हुआ है उसमें चीज़ों को दर्ज किया जा रहा है और एक ही जगह से जो भी महिलाएं पीड़ित हैं उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। तो बनारस के प्रत्येक थानों पर इस तरह के हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप जो सामने आने वाली पीड़ित महिलाएं हैं उनसे किस तरह का व्यवहार करें, क्या ऐसा करें कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ एक्शन का असर अब यूपी के उन अपराधियों पर भी दिखने लगा है जिनके नाम से कभी उत्तर प्रदेश में दहशत फैल जाती थी। ऐसा ही नाम है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, जो खुद को डिप्रेशन का शिकार बताते हुए कोर्ट में पेशी के लिए यूपी आने से इनकार कर रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पूर्वांचल ही नहीं बल्कि यूपी के तमाम जिलों में जिसके नाम का सिक्का चलता था, जो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था, वही मुख्तार अंसारी आज खुद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कई मामलों में हाईकोर्ट में पेश होने के लिए प्रयागराज लाया जाना था, लेकिन हर बार मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने से यूपी आने से बच जाता है। और इस बार मुख्तार ने पेशी के लिए यूपी आने से बचने के लिए सेहत को अपनी ढाल बना लिया और यूपी पुलिस को एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी है जिसमें मुख्तार अंसारी को डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन से पीड़ित बताते हुए 3 महीने के लिए आराम की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 50 तेज तर्रार जवानों और अफसरों की टीम उसे लेने के लिए पंजाब पहुंची तो वहां उसने नया दांव खेला। उसने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसमें ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो डिप्रेशन का शिकार है और उसे 3 महीने तक सख्त आराम की ज़रूरत है, वो 3 महीने तक कोई सफ़र नहीं कर सकता। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्तार अंसारी ने यूपी आने से बचने के लिए सेहत का बहाना बनाया है। इसके पहले भी यूपी पुलिस मुख्तार को हाईकोर्ट में पेशी के लिए पंजाब जा चुकी है और हर बार किसी न किसी बहाने से मुख्तार अंसारी पंजाब से वापस यूपी नहीं आने का बहाना ढूंढ लेता है, लेकिन यूपी एसटीएफ इसे पेशी से बचने के लिए मुख्तार अंसारी का बहाना बता रही है। ट्रायल के लिए कोर्ट में नहीं आना, ये तो स्वयं भी कोर्ट के में मानना है, और लेकिन इसको एक कानूनी रूप दे दिया जाता है किसी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया गया। डॉक्टर डरते भी हैं, कुछ दवाओं भी आ जाते हैं और ये मानना कि 22 महीने से लगातार बीमार चल रहे हैं ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और पिछले कई दिनों से यूपी सरकार ने मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ अभियान चला रखा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बार बार पेशी से बचने के लिए मुख्तार के हथकंडे उसका बहाना नहीं बल्कि डर है, जिसे छिपाने के लिए पूर्वांचल का माफिया डॉन मेडिकल सर्टिफिकेट का सहारा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सात